नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू में, समाधान सीरीज में जो है पॉलिटी के एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज में जो है मैंने आप लोगों से हिस्ट्री पे भी बात किया, करंट अफेयर पे भी बात किया हमने एमसीक्यू में, और हम इसमें बात करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू में। तो पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ये समाधान सीरीज है, ये पॉलिटी का समाधान सीरीज है, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी और ऑल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं सब ये इंक्लूड हो जाएगा 9 PM। ठीक है, मेरा नाम पिंज जायसवाल है, मैं बीएसटी फैकल्टी भी हूँ, अनअकैडमी पे भी हूँ, पीडब्ल्यू पे भी हूँ, स्टडी आईक्यू पे भी हूँ और आपके युक्ति आईएएस पे भी। ठीक है, तो डाउनलोड युक्ति आईएएस ऐप या टेलीग्राम का लिंक है। चलिए सबसे पहले जो है, जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, युक्ति आईएएस का लोगो है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहा है तो स्कैन करना तो आता ही होगा, इतना तो आप जानते ही हैं, तो स्कैन कीजिए। चलिए, सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं किसी भी स्टेट का टेस्ट सीरीज कोई भी, सब अवेलेबल है, आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बैच भी है, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, UP 6970, बीपीएससी का, यूपीएससी का, सबका है, दरिया का राष्ट्रीय संस्करण है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगरी स्थानीय, चलिए मैं इसका लिंक इंक जो है चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगरी स्थानीय शासन प्रणाली में कौन शामिल होता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, नगरी स्थानीय शासन प्रणाली में कौन शामिल होता है। पहला ऑप्शन है टाउन एरिया कमेटी, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है पोर्ट ट्रस्ट और पांचवा है विशेष प्रयोजन एजेंसी। और पूछ रहा है नगरी स्थानीय प्रशासन प्रणाली में कौन शामिल होता है। तो इसमें है, ए है कि केवल 1 और 3, बी है केवल 1 2 3, सी है 2 3 4 और डी है केवल 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब जो है वो क्या है आप लोग खुद देखिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या नगर पालिका होगा कि नहीं नगरी? बिल्कुल होगा। पोर्ट ट्रस्ट होगा? बिल्कुल होगा। ये क्या अधिसूचित क्षेत्र समिति होगा? बिल्कुल होगा। अरे टाउन एरिया तो ऑलरेडी होगा ही ना, तो जाहिर सी बात है जब 1 2 3 4 और विशेष प्रयोजन एजेंसी ये भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिएगा, नगरी शासन प्रणाली में देखिए इसकी व्याख्या पे बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत, आपको पता है ना 73वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो है वो 1992 है, संविधान संशोधन। तो 74वां कौन सा होगा? 1993 होगा। इसके 93 के तहत शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो सत्ता तानाशाह हो जाती है, इसलिए सत्ता का क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। जैसे 73वें संविधान संशोधन में बताया गया था क्षेत्र पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा और क्या होता, जिला पंचायत। तो आपको सभी को पता है कि जिस प्रकार 73वें संविधान संशोधन में क्षेत्र पंचायत का मतलब बीडीसी लोग चुनाव लड़ते हैं और उसी बीडीसी में क्या होता है, आपको पता होगा कि एक व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख बनता है। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत प्रधान चुनाव लड़ता है और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ता है और उसी जिला पंचायत सदस्य में से एक व्यक्ति क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। सब पता है। वैसे ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी। इसमें भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारों की कल्पना की गई, जिसमें देखिए नगर निगम है, जहां नगर निगम होता है वहां पर मेयर होते हैं चुनाव में, नगर पालिका है यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी, यानी कि टोटल 8 शहरी स्थानीय सरकारों की कल्पना की गई है। और यही आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो देखिए टाउन एरिया भी आया कि नहीं आया, नगर पालिका आया कि नहीं आया, अधिसूचित क्षेत्र समिति आई कि नहीं आई, पोर्ट ट्रस्ट आया कि नहीं आया और विशेष प्रयोजन एजेंसी आई कि नहीं आई। ये टोटल आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा और इस तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसका जो है डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही इसीलिए सही है। अब तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में इसके बारे में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं कि संविधान में वर्णित 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है। देखिए जब भी प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए ना, सबसे पहले यहाँ है या नहीं है जरूर देखिए। यहाँ पर पूछा है नॉट, नहीं है पूछा है। पहला है अग्निशमन सेवाएं, दूसरा है उन्नयन कार्यक्रम, तीसरा है जन्म मित्र पंजीयन। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या लगता है? तो देखो भैया, इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी। क्यों है, कौन सा पूछा है कि शामिल नहीं? अब देखो कौन कौन शामिल है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषयों को शामिल किया गया, जिसमें भूमि उपयोग नियमन और भवन निर्माण की बात की गई है, नगरीय योजना के बारे में बात की गई है,
आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाओं के बारे में बात की गई है, सड़कें और पुल के बारे में बात की गई है, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के जल प्रबंधन से संबंधित बात की गई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई व कचरा प्रबंधन से बात की गई है, अग्निशमन सेवाओं से बात की गई है और नगरी और वानिकी पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन पे बात किया गया है, समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों के संरक्षण पर बात किया गया है, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम आदि विषय इसमें शामिल किया गया है। तो एक बार बताओ कि क्या जितना बोला हूँ अग्निशमन सेवा या जितने भी मैं बोला हूँ मैं आपसे, देखिए तो सभी था इसमें, उन्नयन कार्यक्रम भी था कि नहीं था। इसीलिए इसका जो आंसर था वो आंसर आपका डी निकल कर आया, बात समझ में आया। तो इसीलिए जो इस तरह के प्रश्न जब भी आप देखें तो इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व किया करें। तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्णित अनिवार्य प्रावधान क्या है। आप 73वें संविधान संशोधन किसके लिए है आप पता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, ये कह रहा है। क्या लगता है? बिल्कुल सही जवाब है यार, 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, चुनाव तभी लड़ेगा जब 21 वर्ष होनी चाहिए, पहले 18 तब 21 हो गया है। और ये चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक भी सही है, दो भी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत वर्णित अधिवार प्रावधान निम्नलिखित है, जैसे ग्राम सभाओं के गठन की बात की गई है, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957, सभी को पता होगा लगभग सभी पद सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भेजे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब भी बीडीसी का चुनाव होता है तो बीडीसी के चुनाव में जनता वोट देती है, आपके ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो जनता वोट देती है, आपका जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है तो जनता वोट देती है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है, यानी कि जनता जिसको वोट देती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जनता के प्रतिनिधि यानी कि हम, हमारे बीडीसी, एक बीडी, सभी बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख बनता है कोई उसी में से, या जिला पंचायत सदस्य में से कोई एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता नहीं करती है, जिला पंचायत सदस्य को चुनती है, जिला पंचायत सदस्य में से कोई व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष का दावेदारी करता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल पहले 18 वर्ष था। जिला और प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जनता के प्रतिनिधि जो है वो लोग मिलकर जो है उसका चुनाव करते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, इस पर भी बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, यही अभी क्वेश्चन उठाया भी गया था, इसलिए ये ऑप्शन डी जो था बिल्कुल ही सही था। अगला प्रश्न नॉट लिस्ट चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय प्रबंधन, राजनीतिक जवाबदेही, विकास में जनता की भागीदारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3, 4। क्या लगता है क्या सही होगा? एक बार बताओ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभी मैंने बात किया बिल्कुल सही है, राजनीतिक जवाबदेही बिल्कुल सही, अकाउंटेबिलिटी होगी, बाकी ये दोनों गलत है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि ये देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, यहाँ पर राजनीतिक जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बन रही है और वित्तीय प्रबंधन से खैर कोई मतलब इतना नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता एक हाथ में आ जाएगी तो तनासा हो जाएगा, कोई सेंट्रलाइजेशन जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। 73वें संविधान संशोधन इस संदर्भ में विभिन्न सूत्रों को वर्णित करती है, जैसे 73वां संविधान संशोधन के तहत स्वैच्छिक कार्यों में शामिल किया गया है, इन निकायों में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना, पंचायती राज संस्थाओं को कर लेवी शुल्क आदि के संबंध में वित्तीय अधिकार दिए जाए और पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाने के लिए प्रयास किए जाए, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छी खूबसूरत क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि दीवाने मामलों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संपत्ति समझौते या अनुबंध के उल्लंघन तथा तलाक या मकान मालिक या किराएदार के विवादों से संबंधित होते हैं। दूसरा, कथन क्यों कह रहा है कि दीवाने न्यायालय इन विवादों का निपटारा करते हैं, वे कानून के उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं देते हैं जो दीवाने मामलों में शामिल नहीं है। पहला कह रहा है कथन पी और क्यू दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कथन पी सही है क्यू गलत है, तीसरा कह रहा है क्यू सही है परंतु कथन गलत है, और डी कह रहा है कथन पी और क्यू दोनों गलत है। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों सही है, क्योंकि दीवानी मामले ये भी सही है और आपका दीवानी मामले इन विवादों का निपटारा ये भी सही है, इसलिए पी और क्यू दोनों क्या है सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है।
देख लीजिए, ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, विश्लेषण भी देख लीजिए कि दीवानी मामलों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संपत्ति समझौते या अनुबंध के उल्लंघन, तलाक या मकान मालिक की किराएदार के विवादों से संबंधित होते हैं। दीवानी न्यायालय इन विवादों का निपटारा करते हैं, वे कानून के उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं देते हैं जो दीवानी मामलों में शामिल नहीं है। संपत्ति उत्तराधिकार, स्वामित्व और ऐसे अन्य अधिकारों से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जो इन मामलों का निपटान सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार करते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, भारतीय कॉलेजियम, ये सब देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन है इसको अलग से मैंने दे दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर। तो पांचवे का आंसर क्या था? ए था। और चौथे का आंसर क्या था? चौथे का आंसर सी था, जिसमें मैंने लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण और राजनीतिक जवाबदेही के बारे में बात किया। तीसरे का आंसर डी था, क्योंकि इसमें सभी के बारे में बात किया गया है, 21 साल उम्र होनी चाहिए और राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरे का आंसर डी था, क्योंकि मैंने कहा भी आपसे इसके बारे में, अग्निशमन सेवाएं, उन्नयन कार्यक्रम, जवान मित्र पंजीयन, ये सब बात किया गया। और तीसरे पहले का आंसर भी डी था, टाउन एरिया कमेटी, सब कुछ। इसमें टोटल 8 होते हैं, 8ों के बारे में मैंने डिटेल बता दिया, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि आपके यूपीएससी तक में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। जितना भी एक्स्ट्रा मैंने दिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर जो है कल भी हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन जो है इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अच्छे खासे क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए बने रहिए सभी लोग, और जितने भी चीजें हैं हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। ए वे टू सक्सेस युक्ति आईएएस, डाउनलोड युक्ति आईएएस ऐप डाउन, और ये युक्ति आईएएस का ऑफिशियल लोगो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम का चैनल है, स्कैन कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है live.yuktiis.in। ठीक है, तो मुझे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाल ही में कौन से भारत के वित्त मंत्री हैं जिनके नाम पर चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है, कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।